दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और पॉजिटिव मूवमेंट आप फील करेंगे। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में एंट्री लेवल एम्प्लॉय हैं, या फिर सेल्फ मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर किसी भी फील्ड में बिगनर हैं और टाइम टेबल की समस्या के बारे में बातचीत नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार हम समस्याओं में उलझे रहते हैं और हमें लगता है कि हम अपना समय ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए दुखी हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। इस वीडियो में मैं आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने टाइम को सुसज्जित कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम के प्रिपरेशन की बात हो, या फिर किसी मीटिंग में जाने की बात हो, या फिर आप कोई कार्य को सही टाइम से कार्यान्वित करने चाहते हैं। इन सभी कंडीशन में आपको यह टाइम टेबल की मशीन हेल्प करने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने टाइम टेबल को दुरुस्त करना चाहते हैं, आप चीजों को समय पे करना चाहते हैं और अपने अवसाद से बाहर आना चाहते हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है मेक अ टू डू लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं, यानी कि उन सभी कार्यों की सूची बनाएं जो आप करना चाहते हैं। आप चाहे जब भी करना चाहते हो, पहली जरूरत यह है कि आप कार्यों की सूची बनाएं। एक बार कार्य की सूची बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हम यह तय करें कि वो कार्य कितना महत्वपूर्ण है या कितना आवश्यक है। स्टीफन कोवी ने अपने बेहतरीन किताब बेस्ट सेलर बुक 7 Habits of Highly Effective People में लिखा है कि आपको अपने टाइम को अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में सुसज्जित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण और आवश्यक, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप इसको सुसज्जित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट, वह हर वह काम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसे लिखिए, और हर वह काम जो आपको लगता है कि आपके लिए अर्जेंट है उसे भी लिखिए। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट से क्या मतलब है? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट का मतलब है कि वह काम अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ हमें परेशानी होने वाली है, लेकिन यह अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट का सिनेरियो हमेशा ही हमें हेल्प करता है चीजों को प्रायोरिटाइज करने में। कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? कोई भी काम कितना महत्वपूर्ण है करना, यह तय सिर्फ आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप उसे लिस्ट में लिखें कि यह काम अभी महत्वपूर्ण है, यह काम बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, यह एक कार्य है। यह एक अर्जेंट कार्य है या इंपॉर्टेंट कार्य है? यह अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है? यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि अर्जेंट नहीं है यह, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर दिन की हैबिट में वो हो, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह अर्जेंट भी बन सकता है अगर इंपॉर्टेंट काम को सही समय पर ना किया जाए। अगर हम व्यायाम ना करें, बाकी चीजों का ध्यान ना रखें, अपने सेहत का ध्यान ना रखें, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई परेशानी हो जाए और उस परेशानी के बाद डॉक्टर हमें सलाह दे कि अब तो आपको एक्सरसाइज करना ही होगा। अब उस कंडीशन में यह अर्जेंट हो जाएगा, यानी कि अगर एक्सरसाइज नहीं की तो कहीं ना कहीं वह परेशानी के रूप में हमारे स्वास्थ्य को और खराब करेगा। तो इस तरीके से लिस्ट में हर वह कार्य जो हमें करना है उसे या तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखें या फिर अर्जेंट की श्रेणी में रखें। जब आप इसे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डिवाइड कर लेंगे तो वह यह इन चार खानों में नजर आएगा। इसे क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट का क्वाड्रेंट इन चार खानों में कहीं ना कहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताता हूं। सब ऊपर की तरफ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट और नीचे की तरफ कम इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट नहीं वाली सूची रख सकते हैं। उसी तरीके से इस ग्राफ में बाईं तरफ में अर्जेंट वाली चीजें और दाईं तरफ में जो अर्जेंट नहीं है वो चीजें रख सकते हैं। तो वह सभी टास्क को आप इन चार कैटेगरीज में डिवाइड कर ले। तो पहले खाने में आएंगे वो सभी कार्य जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है और तुरंत करना आवश्यक भी है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई बहुत बड़ी परेशानी हो गई है और उनको तुरंत पैसे की जरूरत है इलाज कराने के लिए, तो वह तुरंत भी है, अर्जेंट में देना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर इलाज नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को परेशानी और बढ़ सकती है। इसी तरीके से दूसरे खाने में वह सारे कार्य की लिस्ट डालें जो कार्य इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी ही करना जरूरी है, आपको वो करना तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी ही करना जरूरी है। मान लीजिए कि आपको बिजली का बिल भरना है, बिजली के बिल को भरने की तिथि 10
तारीख के हर महीने को आती है और वह बिजली बिल जनरेट हो जाता है पिछले महीने की 25 तारीख को। तो आपके पास 15 दिनों का समय होता है वह बिल भरने के लिए। अगर वह बिल आप 25 तारीख से 30 तारीख तक या कि 9 तारीख तक भी कभी भी भर दें तो वह अपने आप ही कार्य निष्पादित हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उसे 9 तारीख तक भी नहीं भरा तो 10वीं तारीख को वह अर्जेंट की लिस्ट में चला जाएगा। यानी कि अगर उसके बाद नहीं किया तो कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है आपको लेट फी देना पड़ेगा। लेट फी के अलावा हो सकता है कुछ कुछ राज्यों में ऐसा भी है कि उसकी वजह से बिजली कनेक्शन काटे भी जा सकते हैं। यानी कि कोई भी कार्य जो कि इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है अगर उसको सही समय पे ना किया जाए तो वो अर्जेंट की कैटेगरी में भी मूव हो सकता है। तो इसमें वह सारी चीजें लिखें जिसमें जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अभी तुरंत करना जरूरी नहीं है। तीसरी कैटेगरी होगी जिसमें आप उन सभी कार्यों का लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि आप लिखेंगे कि वो अर्जेंट है, तुरंत करना जरूरी है लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अर्जेंट तो है लेकिन वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि पड़ोस में किसी को कोई परेशानी हुई है और उनको तुरंत एक दूसरे सिटी में जाना जरूरी है। वो कार भाड़े पे ले सकते हैं, दूसरी सिटी में जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी उनके साथ जाएं। अर्जेंट है, आप उनके लिए कोई कैब बुक कर सकते हैं, आप उनकी उनके लिए कोई दूसरी गाड़ी बुक कर सकते हैं, बस की टिकट कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप भी उनके साथ जाएं। यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट उस व्यक्ति के लिए है, अर्जेंट उस व्यक्ति के लिए है जिसे अभी कहीं जाना है, तो आप उस कैटेगरी को रखें। और सबसे अंतिम कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 4, जिसमें कि वह कार्य लिखें जो कि ना तो अभी अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको फेसबुक चलाना है, कितना इम्पोर्टेंट है कितना अर्जेंट है। मान लीजिए कि आपको किसी से बातें करनी है, कितना अर्जेंट है कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको तय करना है, उसके अकॉर्डिंग इसे कैटेगराइज करनी है। जब हर कार्य की, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेक अ टू डू लिस्ट, पहली लिस्ट बनाने के बाद हर कार्य के सामने अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी डिफाइन कर देंगे, उसके लिए उसके बाद आपका कार्य करना बहुत ही इजी हो जाएगा। यानी कि ये सारी कैटेगरी इस प्रकार से बनेगी, कोई कार्य ऐसा होगा जो अर्जेंट भी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा, कुछ कार्य ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे लेकिन अर्जेंट नहीं होंगे, कुछ कार्य ऐसे होंगे जो अर्जेंट तो है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ कार्य ऐसे होंगे ना ही वो अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो चौथी कैटेगरी है जो कि ना कि अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है, उसे वेस्ट भी माना जाता है। यानी ये वैसे कार्य हैं जो हमारा समय किल करते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं। तो इस प्रकार से कैटेगराइज करने के बाद थर्ड स्टेप आता है, वो आता है स्केड्यूल द टाइम लाइन। स्केड्यूल द टाइम लाइन का मतलब ये है कि आपने जो कार्य लिखा है, टू डू लिस्ट बनाई है, उसमें अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट की लिस्ट बना दी है, अब आपको लिखना है कि वह कार्य कितने दिनों में किस समय तक करना जरूरी है, चाहे वो अर्जेंट हो या इम्पोर्टेंट हो, टाइमलाइन डालना जरूरी है। जब आप टाइमलाइन डालते हैं तो इम्पोर्टेंट चीजें अपने टाइम से खत्म होती जाती हैं, वो कभी भी अर्जेंट कैटेगरी में नहीं आती। लेकिन अगर वही कैटेगरी अपने समय से समाप्त ना हो, इम्पोर्टेंट कार्य अपने समय से समाप्त ना हो, तो वह अर्जेंट की कैटेगरी में मूव हो जाती है। और सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब कोई भी कार्य आप समाप्त करें तो आप समाप्ति के बाद उस पर टिक मारे, जो आपने लिस्ट बनाई थी उस पर टिक मारे, और उसके सामने उसकी रिव्यू भी लिखें। रिव्यू लिखने का मतलब यह है कि आप उसके बारे में विचार करें कि वो कार्य जो हुआ सब कुछ ठीक ठाक हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या गलत हुआ, हुआ तो क्या अच्छा हुआ। अपने आप को शाबाशी दें कि आपने कार्य को सही प्रकार से समाप्त किया, और इसे रिव्यू करने के बाद आप अपनी नई टू डू लिस्ट बना ले। यह एक ऐसा साइकिल है जो लगातार चलता रहेगा। टू डू लिस्ट का मतलब यह है कि चाहे आप अपने स्टूडेंट लाइफ में आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट की लिस्ट डाल रहे हो, या फिर आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका खुद का कार्य है, तो उसमें कौन से कार्य पहले करने हैं और कितना अर्जेंटली करना है उसकी लिस्ट बना रहे हैं, उसे करते जाएं और टिक मारते जाएं। तो जब एक बार सफलता हाथ लगती है, जब एक कार्य संपादित होता है, तो उसकी खुशी आपके मन को उल्लास से भर देती है और आप जोश से भर जाते हैं और एक नए कार्य को करने के लिए। दोस्तों मुझे पूरा पूरा विश्वास है अगर आपने इसे ठीक तरीके से अपने लाइफ में अमल में लाया, आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी कार्य को समय से समाप्त करने से। टाइम टेबल की कोई समस्या नहीं है। बावजूद इसके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं हो पा रहा है, आप मिस कर जा रहे हैं, तो आप
मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा, मोबाइल नंबर डालिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा और आपसे डिस्कशन करूंगा 1-on-1, ताकि हम ये डिस्कस कर पाए कि आपको क्या समस्या हो रही है और उसका समाधान कैसे दे सकते हैं। मैं वीकेंड पे स्पेशल क्लासेस लगाता हूं जहां पे हम आपस में जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।